दोस्तों, LIC और फाइनेंस से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल रितेश LIC एडवाइजर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको LIC और फाइनेंस से संबंधित तमाम जानकारियां सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर्म संख्या 360 के आगे के क्वेश्चन को कैसे भरते हैं। हमारे चैनल पर इस फॉर्म को भरने के लिए एक वीडियो पहले से मौजूद है जिसमें क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर और क्वेश्चन संख्या 8 तक के को कैसे भरा जाता है यह जानकारी दी गई है। तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो मैं कहूंगा कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप प्रथम वीडियो को जरूर देख लें। आइए अब अपनी इस वीडियो के जरिए हम आगे के क्वेश्चंस को कैसे भरा जाता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्म संख्या 360 में जैसे आप आगे चलेंगे तो नौवां से बारहवां क्वेश्चन इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब हम बारी बारी से समझते हैं कि कैसे भरा जाए इस फॉर्म को। तो फॉर्म संख्या 9 में क्वेश्चन संख्या जो 9 है इसमें LIC पारिवारिक इतिवृत्ति मांग रही है, यानी फैमिली हिस्ट्री मांग रही है। तो प्रश्न यह उठता है कि फैमिली हिस्ट्री किसकी देनी है, प्रस्तावक की देनी है या बच्चे की देनी है। तो यहाँ पर फैमिली हिस्ट्री जो दी जाएगी वो बच्चे की दी जाएगी, यानी बच्चे को ध्यान में रखकर उसके माता पिता उसके भाई बहन की डिटेल यहाँ पर देनी होगी। तो सबसे पहले हमको देना है पिता की जो एज है उसको हमको यहाँ पर लिखना होगा और उसके स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ लिखनी होगी। देखिए, यदि आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर दो तरह के कालम आपको दिखाई देंगे। पहला जो कालम है इसमें जीवित लिखा हुआ है, दूसरे कालम में मृत लिखा हुआ है। तो इसमें से जो बच्चा है उस बच्चे के फैमिली मेंबर में जितने जीवित लोग हैं उनकी डिटेल यहाँ पर लिखनी है और उनके स्वास्थ्य की कंडीशन क्या है उसको इस भाग में आपको दर्शाना होता है। ठीक इसी तरह से अगर किसी सदस्य की डेथ हो गई है तो मृत्यु के समय उस व्यक्ति की आयु क्या थी और किस कारण से डेथ हुई है उसको यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो फिलहाल हम चलते हैं और फॉर्म को भरने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम पिता की एज देख लेते हैं। तो पिता की एज 25 साल और स्वास्थ्य की स्थिति स्वस्थ है तो हमने इसको नोट कर लिया। ठीक इसी तरह से माता की एज के लिए माता की एज 23 साल है, स्वस्थ लिख दिए, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है। इसके बाद भाई, तो चूंकि यह जो बच्चा है यह पहला बच्चा है और इस बच्चे के कोई भाई बहन नहीं है तो मैं यहाँ पर नहीं नहीं नोट कर दे रहा हूँ। यहाँ भी नहीं लिख दिया, यहाँ भी नहीं लिख दिया। लेकिन हो सकता है कि आप जिस बच्चे का बीमा कर रहे हो उसके भाई बहन होंगे, तो यदि जो भाई बहन हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। आइए अब अगले क्वेश्चन को पढ़ा जाए। अगले क्वेश्चन में LIC क्या कह रही है, केवल अवयस्कों के लिए नीचे बीमार्थी के माता पिता भाइयों और बहनों की सभी चालू पॉलिसियों का पूर्ण विवरण आपको देना है। यानी यदि जिस बच्चे की आप पॉलिसी कर रहे हैं उनके माता पिता या दूसरे भाई बहनों की अगर कोई पॉलिसी है जो कि चालू अवस्था में है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि पिता का बीमा है, पिता और माता का बीमा है तो उसकी डिटेल को हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पॉलिसी नंबर लिख दिए, कितने का बीमा है उसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया। ठीक इसी तरह से माता की भी पॉलिसी को नोट कर दिए और जितने का बीमा है उसको नोट कर दिया। लेकिन कैन बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि आप जिस बच्चे की पॉलिसी कर रहे हैं उस बच्चे के घर में किसी और का बीमा न हो तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर लागू नहीं लिख देना चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो 11वां क्वेश्चन LIC द्वारा पूछा जा रहा है कि क्या बीमार्थी का कोई जीवित या मृत संबंधी मधुमेह, पागलपन, मिर्गी, गठिया, दमा, क्षय, कर्क रोग, कुष्ठ रोग, तपेदिक, नासूर, कोढ़ आदि जैसे किसी पैतृक या संक्रामक रोगों से पीड़ित रहा है। या यूं कहें संक्षेप में LIC यह पूछना चाहती है कि जिस बच्चे की आप पॉलिसी कर रहे हैं क्या उसके घर में कोई आनुवांशिक डिजीज तो नहीं चल रही है, कि उनके फैमिली में उनके दादा को जो प्रॉब्लम रही हो वही उसी तरह की बीमारी उनके पिताजी में भी हो और बच्चे में भी आने की संभावना हो। तो संक्षेप में LIC के द्वारा जो पूछने का रूप है वो यही है। तो फिलहाल हमारे ग्राहक के साथ ऐसा कुछ नहीं है, उनके घर में सभी कोई स्वस्थ हैं तो मैं यहाँ पर नहीं लिख देता हूँ।
अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या पूछ रही है लैसी? क्या बीमार थी पिछले 3 वर्षों की अवधि में क्षय, कुष्ठ रोग या अन्य किसी संक्रामक रोगों से पीड़ित किसी व्यक्ति के संपर्क में रहा है? तो आप ग्राहक से पूछिए, अपना जो प्रस्तावक है आप उससे पूछ लें, और पूछने के बाद वह जो कहता है उसको आप यहाँ पर भर दें। फिलहाल मेरे ग्राहक के साथ ऐसा कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पर नहीं ले लेता हूँ, और अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 13वां से लेकर और 15वां जो क्वेश्चन है वो आपको इस तरह से दिखाई देगा, फॉर्म संख्या 360 का। अब हम बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले 13वें क्वेश्चन के पहले भाग को देखते हैं। पहले भाग में लैसी क्या करी है? क्या बीमार थी अब पूर्ण स्वस्थ है और सभी रोगों से मुक्त है? तो भाई मेरा ग्राहक जो है, जो बीमार थी है, जो बच्चा है, वो पूर्णतया स्वस्थ है, मैंने हाँ लिख दिया। इसी तरह से अब अगले क्वेश्चन को देखा जाता है। क्या बीमार थी कि शारीरिक गठन अच्छा है? हाँ अच्छा है, मैंने हाँ लिख दिया। इसके बाद क्या बीमार थी में कोई शारीरिक दोष या विकलांगता है? तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने नहीं लिख दिया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में एलआईसी पूछ रही है, क्या बीमार थी को चेचक निकली थी? नहीं भाई, चेचक नहीं निकली थी, हमारे कस्टमर का यह कहना है। टीके का निशान उभर आया था? हाँ उभर आया था। यदि हाँ तो कब? तो फिलहाल मैंने चेचक निकली थी इसमें नहीं कर दिया है, और दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हाँ लिख दिया कि चेचक जो टीका जो लगा था उसका निशान उभर आया था। अब कब, तो आप अपने ग्राहक से पूछ लीजिए, जो उनका उत्तर होता है उसको इस खाने में आप भर दें। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 14वां का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें एलआईसी पूछ रही है, क्या बीमार थी किसी बीमारी या रोग से पीड़ित रहा है? यदि हाँ तो विवरण दें। आप ग्राहक से पूछकर ही सभी क्वेश्चन के उत्तर में हाँ या नहीं लिखेंगे। तो हमारा जो बीमार थी है यानी जो बच्चा है वह किसी भी बीमारी से, किसी रोग से पीड़ित नहीं रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख दे रहा हूं। अगले क्वेश्चन में एलआईसी क्या कर रही है, क्या आपकी कभी शल्य चिकित्सा हुई है? आप कभी दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं या आपको चोट लगी है? तो हमारे ग्राहक के साथ ऐसा कुछ नहीं है, मैंने नहीं लिख दिया। क्या आपने कभी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक्सरे या स्क्रीनिंग, रक्त, मूत्र या मल की परीक्षा कराई है? तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसमें नहीं लिख देता हूँ। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या आप कभी जांच, परीक्षण, उपचार या किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा के लिए अस्पताल या पागलखाने या आरोग्यशाला में रहे हैं? नहीं भाई, हमारा जो बीमार थी है, जो बच्चा है, उसके साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। हालांकि आप देखिए, मैं बार बार इसी चीज को कह रहा हूँ कि जब भी आप फॉर्म को भरें, आप ग्राहक से इन सभी क्वेश्चंस को पूछकर और पूछने के बाद ही भरें, और फॉर्म को भरने के बाद एक बार निश्चित रूप से आप अपने विकास अधिकारी या CLIA जो आपके अभिकर्ता हैं, जिससे भी आप जुड़े हुए हैं, आप उनको इस फॉर्म को जरूर दिखा लें, आप उनकी राय लें, और उसके बाद तब इस प्रपोजल को आप LIC ऑफिस में जमा करें। अगला क्वेश्चन, अंगम क्या क्वेश्चन कर रही है LIC, क्या बीमार थी को कभी यकृत संबंधी एड्स के संबंध में चिकित्सक से परामर्श, उपचार या जांच परीक्षा कराने की आवश्यकता पड़ी है, या वर्तमान में वो इन बीमारियों के लिए उपचार ले रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन एलआईसी कर रही है, इसका मतलब ये है कि ऐसा भूतकाल में कोई ऐसी प्रॉब्लम कस्टमर के साथ तो नहीं रही है, बीमारी के साथ तो नहीं रही है, या आने वाले समय, सॉरी, या तो वर्तमान समय में उसको शंका हो या डाउट हो, जिससे कि वह डॉक्टर के संपर्क में हो, डॉक्टर से राय विमर्श ले रहा हो। तो दोनों ही परिवेश में यदि ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पर हाँ लिखना चाहिए, अदरवाइज आपको नहीं लिख देना चाहिए, तो मैंने नहीं लिख दिया। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बीमार थी छात्र है? यदि हाँ तो किस कक्षा में? तो दोस्तों, हम जिस बच्चे का बीमा कर रहे हैं उसकी अवस्था 2 साल की है, और अभी वह छात्र नहीं है। आपकी कंडीशन में यदि बच्चा छात्र है यानी स्कूल में शिक्षा कर रहा है, तो आपको उसकी कक्षा लिखनी होगी, और चूंकि हमारी जो सिचुएशन है, 2 साल का बच्चा वो स्कूल नहीं जाता है, तो मैं यहाँ पर नहीं लिख देता हूँ। अगला क्वेश्चन एलआईसी क्या कर रही है, क्या आप जोखिम आरंभ होने के पूर्व अपनी मृत्यु हो जाने की दशा में प्रीमियम अधित्याग लाभ लेना चाहते हैं? यदि हाँ तो कृपया प्रस्ताव फॉर्म नंबर 300 अलग से भरें। यह क्वेश्चन एलआईसी पूछ रही है प्रस्तावक से कि क्या आप ऐसा चाहते हैं कि जो पॉलिसी आप ले रहे हैं, उस पॉलिसी को लेने के बाद यदि मैच्योरिटी से पहले आपके साथ, यानी जो प्रस्तावक है, जो व्यक्ति प्रीमियम जमा कर रहा है, यदि उसके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाए, अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या
प्रीमियम जो जमा करा, चूंकि प्रीमियम तो जो प्रस्तावक है वही जमा करेगा और बच्चा तो छोटा है, तो यदि यह पीडब्ल्यूबी यानी प्रीमियम वेवर बेनिफिट अगर वह ग्राहक नहीं लेगा तो उस कंडीशन में उसके फैमिली मेंबर को इस पॉलिसी की प्रीमियम को जमा करना होगा। तो कस्टमर के लिए तो फायदेमंद यही है कि थोड़ी सी प्रीमियम जरूर ज्यादा आएगी, लेकिन पीडब्ल्यूबी कस्टमर को ले लेना चाहिए और इसकी राय अपने ग्राहक को आप निश्चित रूप से दें। और यदि यहाँ पर कस्टमर बोलता है कि नहीं भाई मुझको पीडब्ल्यूबी चाहिए, तो अब चूंकि यह जो फॉर्म 360 भरा जा रहा है यह बच्चे के लिए भरा जा रहा है, लेकिन आपको फॉर्म नंबर 300 बीमा जो प्रस्तावक है उसके नाम से भरना होगा। तो फॉर्म नंबर 300 यदि फॉर्म नंबर 300 आपको भरने नहीं आता है तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर फॉर्म संख्या 300 को कैसे भरते हैं इसकी वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है, तो आप वहां से उसका लाभ ले सकते हैं। तो फिलहाल हम यहां पर हाँ लिख दिए हैं और इस ग्राहक के लिए फॉर्म संख्या 300 को हम भर के LIC में PWB के लिए दे सकते हैं। आइए अब आगे के क्वेश्चन को देखा जाए। 16 से लेकर 18 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं 16वां क्वेश्चन पर। क्या आप इस शर्त से सहमत हैं कि इस प्रस्ताव पत्र के आधार पर जारी की गई पॉलिसी के हित बीमार्थी की 18 वर्ष आयु पूर्ण होने या उसके तुरंत बाद पड़ने वाली पॉलिसी वर्षगांठ की तिथि को बीमार्थी में निहित हो जाएंगे? यानी यहाँ पर कहने का मतलब यह है LIC जो प्रस्तावक है उससे यह कहना चाहती है कि भाई आप जो पॉलिसी ले रहे हो ये पॉलिसी तो ठीक है, हम आपकी बच्चे की पॉलिसी तो करेंगे, लेकिन जिस दिन यह पॉलिसी 18 साल कंप्लीट कर लेगी, सॉरी जिस दिन आपका बच्चा 18 साल की उम्र पूरी कर लेगा उसके बाद इस पॉलिसी के जो भी पैसे होंगे उसका पूर्ण दावेदार वह बच्चा हो जाएगा। तो यहाँ पर कस्टमर को हाँ लिखना होता है, मैंने लिख दिया जी हाँ। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में LIC क्या कह रही है? क्या आपने प्रस्तावित योजना के नियम और शर्तों को पूर्णतया समझ लिया है? तो भाई जब समझ लिए हैं तभी तो कस्टमर पॉलिसी ले रहा है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है उत्तर हाँ होगा। और यहाँ पर आप कस्टमर से पूछ कर संतुष्ट भी हो लीजिए, अगर कस्टमर कहता है कि नहीं भाई हमको अभी समझ में पॉलिसी नहीं आई है तो उसको दोबारा पूरी पॉलिसी की जानकारी निश्चित रूप से दें। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में LIC चाहती है कि अगर बैंक अकाउंट की डिटेल कस्टमर देना चाहता है तो आप उसकी बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन चूंकि बच्चा 2 साल का है तो मैं अभी फिलहाल में ऐसी कोई आवश्यकता समझ में नहीं आ रही है, तो इसलिए मैं इस फॉर्म को नहीं भर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लागू नहीं और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब अगला जो है अगले क्वेश्चन में LIC क्या कर रही है इसको देखते हैं। मैं अब यहाँ पर मैंने दे दिया कस्टमर का नाम, उपेंद्र कुमार शर्मा। मैं उपेंद्र कुमार शर्मा भारतीय जीवन बीमा निगम को प्राधिकार देता हूँ कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथराइज्ड ऑफ इंडिया यानी UIDAI के आधार में से आधार के मेरे KYC का विवरण ले लें। यानी LIC यहाँ पर ग्राहक से यह एग्रीमेंट ले रही है, यह सहमति ले रही है कि LIC को जब जरूरत हो LIC आधार कार्ड मतलब UIDAI से जब भी चाहे वह KYC का वेरिफिकेशन कर सकती है। और कस्टमर यहाँ पर अपना नाम लिखकर और सिग्नेचर करके कस्टमर LIC को इस चीज की सहमति देता है। इसके बाद अगला क्या है, अगले में LIC कह रही है, मैं उपेंद्र कुमार शर्मा जिसे इसमें जीवन बीमा के लिए प्रस्तावित किया गया है इधर द्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त प्रकथन एवं उत्तर मेरे द्वारा प्रश्नों को पूरी तरह से समझ लेने के बाद दिए गए हैं और वह सही हैं तथा प्रत्येक विवरण पूर्ण है और मैंने कोई सूचना छिपाई नहीं है। मैं इधर द्वारा इस बात से सहमत हूं और घोषणा करता हूं, लेडीज केस में करती हूं कि ये प्रकथन और यह घोषणा मेरे एवं भारतीय जीवन बीमा निगम के मध्य बीमा अनुबंध के आधार होंगे और इसमें कोई असत्य कथन पाया जाएगा तो समय समय पर यथा बीमा कानून संशोधन अधिनियम 2015 की धारा 45 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह अनुबंध पूर्ण रूपेण व्यर्थ या विफल हो जाएगा
तथा इस संबंध में चुकाई गई समस्त धनराशि निगम द्वारा जब्त कर ली जाएगी। देखिए, मैं जब फॉर्म भर रहा था तो हर बार मैं यही चीज बोल रहा था कि आप कस्टमर से हर क्वेश्चंस को पूछिए और कस्टमर के अनुसार ही उस फॉर्म को, उस क्वेश्चंस के उत्तर को भरिए और कोशिश यह कीजिए कि ग्राहक खुद प्रश्नों के उत्तर को भरे, वह कस्टमर के और आपके दोनों के हित के लिए होगा। तो अगर कस्टमर के द्वारा कोई चीज छिपाया जाता है तो LIC चाहे तो इस, या जो आप सकार रहे हैं कि मैं LIC से या LIC को यह पूर्ण अधिकार देता हूं कि यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य छिपाया गया तो मेरी जो भी प्रीमियम के रूप में जो पैसा मैंने जमा किया है वो सारा का सारा पैसा LIC जब्त कर सकती है। आइए आगे देखते हैं। और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की तिथि के उपरांत किंतु प्रथम प्रीमियम रसीद जारी होने से पूर्व यदि बीमार्थी या परिवार के किसी व्यक्ति के सामान्य स्वास्थ्य में परिवर्तन हो जाता है तो बीमा स्वीकार किए जाने संबंधी शर्तों को पुनर्विचार करने के लिए निगम को लिखित सूचना प्रेषित करूंगा और इसमें मेरी ओर से हुई चूक के कारण समय समय पर यथा बीमा कानून संशोधन अधिनियम 2015 की धारा 45 के प्रावधानों के अनुसार इस संविदा पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर जो ग्राहक है वो LIC से यह अनुबंध कर रहा है कि पॉलिसी के स्टार्ट होने से पहले और जिस दिन फॉर्म भरा जा रहा है उसके बीच में यदि परिवार में किसी भी तरह का स्वास्थ्य संबंधी किसी भी तरह का कोई परिवर्तन होता है तो यह ग्राहक की जिम्मेदारी होगी कि यह वह जानकारी LIC को प्रस्तुत करेगा और उसी आधार पर LIC उस पॉलिसी के ऊपर विचार करेगी। आइए अब हम आगे चलते हैं। आगे में है क्या कि आपको यहाँ पर ग्राहक से सिग्नेचर कराना होता है और इसके बाद यहाँ पर आपको स्थान लिखना है और फिर जिस डेट में आप फॉर्म भर रहे हैं, जैसे मैंने आज की डेट में फॉर्म भरा तो 6 मार्च 2018 मैंने लिख दिया है। अब इसके बाद आप यहाँ पर आपका अभिकर्ता एजेंट का यहाँ पर सिग्नेचर होगा, यहाँ पर पूरा नाम अभिकर्ता अपना लिखेंगे। इसके बाद आप व्यवसाय के रूप में अभिकर्ता या भारतीय जीवन बीमा निगम के हैं उसको आप यहाँ पर नोट कर देंगे और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर अपना पूरा पता आप लिखेंगे। आइए अब दोस्तों, अभी तक आपने फॉर्म संख्या 360 के लगभग सभी क्वेश्चंस को कैसे भरते हैं इसकी पूरी जानकारी आपने देख ली है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस अभी अधूरे हैं, उसको मैं अगली वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है, हालांकि वीडियो लंबी है, हर छोटी से छोटी बात को मेरी कोशिश रही है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूँ और हमारी यह कोशिश कितनी सार्थक है या आपकी लाइक और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपका जो कमेंट है वह मुझे बताएगा। और दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।